जब भी अपने पास में इनफाइनाइट आएगा तो इनफाइनाइट का मतलब मुझे ये बताओ कि मैं कहां तक इंक्लूड कर रहा हूं, इंक्लूड कहां तक कर रहा हूं, कहीं तक आइडिया कौन लिमिटेड से नहीं है। पॉइंट को इंक्लूड कर रहा हूं, कौन से पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहा हूं, इनफाइनाइट पे जाकर किस बात का अपने को पता नहीं रहेगा। अगर तो अपने को अपन आइडिया नहीं है तो मुझे किस पॉइंट को इंक्लूड करना है, किस पॉइंट को ओपन नहीं करना है, इंटरवल, मींस वहां पे अपन ओपन या क्लोज के बारे में श्योर है क्या, नहीं है। पता नहीं कौन से पॉइंट को इंक्लूड कर रहे थे वहां पे और पता नहीं कौन से को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। दैट मींस माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे ऑलवेज कैसा इंटरवल आएगा, ओपन, ओपन। ये रहे वाली बात, यस सर, यस। ओके। सेकंड नंबर, अगर अपने पास में ऐसा लिखा हुआ है कि एक्स इज ग्रेटर देन 5, देन इस केस में एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा, एक्स इज बिलोंगिंग टू, इसका इस सिंबल का मतलब क्या है अपना, बिलोंग्स टू, है ना। दूसरा, अगर अपन ने बात की क्या एक्स इज ग्रेटर देन 5, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई, एक्स इज बिलोंगिंग टू 5, टू कहां तक हो जाएगा, 5 से ग्रेटर क्या रहा है, इसका मतलब 5 से ग्रेटर इनफाइनिट तक हो सकता है इनफाइनाइट भाई, यहां पे और 5 को इंक्लूड ओपन। करना है क्या, नो सर, ओपन लगेगा नहीं यहाँ करना, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल आएगा और यहां भी क्या आ जाएगा, ओपन पे, ओपन, इंटरवल आ जाएगा। ये रही वाली बात, यस ओके। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, x is less than or equals to minus of 3, then x belonging to minus 3 से smaller कह रहा है, तो minus 3 से smaller कहाँ तक हो सकता है, सर, माइनस इन्फिनिट, थ्री टू माइनस इन्फिनिट, माइनस इंफिनिटी तक हो सकता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिट से माइनस ऑफ 3, जो स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट होगा उसको अपने इंटरवल में हमेशा पहले लिखेंगे। क्लियर है वाली बात, ओके ओके। सर, यस सर, इसका मतलब अब माइनस इनफिनिटी पे कैसा आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, प्लस ओपन इनफिनिटी और ओपन माइनस इनफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। माइनस थ्री को यहाँ पे इंक्लूड कर क्लोज, रहे हैं अपन, इंक्लूड यस सर, क्लोज आएगा, कर रहे हैं, दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ क्लोज, जाएगा। ये रही वाली बात, यस सर, ओके। फोर्थ नंबर, उसने ऐसा बोल दिया कि एक्स इज बिटवीन माइनस टू टू 5, देन एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा, ये कह रहा है कि एक्स का वैल्यू माइनस टू से ग्रेटर है लेकिन फाइव से स्मॉलर है, दैट मींस माइनस एक्स इज टू टू बिलोंगिंग टू, फाइव, स्टार्टिंग पॉइंट अपना माइनस टू और एंडिंग पॉइंट फाइव, फाइव, एक्स का वैल्यू माइनस टू से फाइव के बिटवीन है, माइनस टू को यहाँ पे इंक्लूड करेगा क्या, ये नो सर, नहीं करने वाला, ओपन, फाइव को इंक्लूड करना है ओपन, क्या, यस सर, क्लोज लगेगा यस इसमें, सर, क्लोज इंटरवल। इसी में फिर वो क्वेश्चन अपने से क्या पूछ सकता है, फिफ्थ नंबर, कि फाइंड, ऐसा बोल दो कि इफ तो सर क्लोज, अब इसमें एक्स का, इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है वो कि इफ एक्स इज बिटवीन माइनस टू 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 देन फाइंड सर क्लोज माइनस, इंटरवल्स में फर्स्ट माइनस टू क्वेश्चन कॉमा इसमें वो टू क्या आ पूछ सकता जाएगा। है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल सकता है कि एक्स बिलोंग्स टू, सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये ऊपर वाला हो गया कि नोट डाउन, यस सर, नो ओके। सर, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता था, थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता था वो भी, ऐसा बोल सकता था कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, फोर्थ नंबर बोल सकता था फाइंड द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ओके। फिफ्थ क्या पूछ सकता था, फाइंड द नंबर ऑफ
प्राइम सॉल्यूशंस, या प्राइम की जगह ऐसा कर लो कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ये बता दो क्या क्या आएंगे। तो फर्स्ट वाले का तो माइनस टू से टू तक आएगा और दोनों पे क्लोज इंटरवल। और सेकंड का फाइव आएगा। ओके, फर्स्ट वाले में तो उसने बोला थर्ड का थ्री आएगा, तो एक्स इज बिलोंगिंग टू माइनस टू से ग्रेटर कह रहा है और टू से स्मॉलर कह रहा है। That means, और दोनों पे इक्वालिटी है, तो इसका मतलब दोनों को क्लोज ब्रैकेट फर्स्ट का ही हो जाएगा। ओके, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है? सेकंड का फाइव। सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो इंटीजर क्या क्या आ रहे हैं इसमें? एक्स इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? माइनस टू हो सकता है, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फाइव सॉल्यूशन। ओके ठीक है भाई, थर्ड का क्या आ जाएगा जल्दी से बता दो? थ्री। थ्री उसने बोला कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है two. वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब सर जीरो को सर पॉजिटिव में थोड़ी मानेंगे सर, वो तो दोनों ही नहीं होता ना, इधर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। ठीक है ना, जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, न्यूट्रल है ना। तो इसका मतलब अगर नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव की वो बात करेगा तो वहां पे जीरो को इंक्लूड करना है। तो दैट मींस यहां पे एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? नॉन नेगेटिव बोला, इसका मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव तो जीरो भी नहीं है, वन भी नहीं है और टू भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्री सॉल्यूशन। क्लियर है वाली बात? यस सर। सर फोर्थ और फिफ्थ तो सेम ही है। ओके, फोर्थ नंबर में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नेगेटिव इंटीग्रल क्या क्या हो जाएगा? माइनस टू, माइनस वन, माइनस और जीरो भी हो जाएगा। सर जीरो भी तो ले सकते हैं। नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में जीरो कैसे आ जाएगा बेटा? जीरो नेगेटिव थोड़ी ना है सर, पॉजिटिव भी तो नहीं है। तो सर जीरो पॉजिटिव भी तो नहीं है बेटा। अरे बेटा यहाँ पे इसने क्या बोला? नो मतलब negative। अच्छा, जो नेगेटिव नहीं उसके अलावा जितने भी बचे नहीं होना चाहिए, तो जीरो नेगेटिव है क्या? नो नहीं है, इसका मतलब वो काउंट होगा। मतलब नेगेटिव के अलावा जितने भी बचे हैं सारे, नेगेटिव के अलावा जो भी रिमेनिंग रहेगा, मतलब वही की जो नेगेटिव नहीं है वो सारे के सारे, तो इसका मतलब जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जीरो तो काउंट होगा ऊपर वाले थर्ड नंबर में। लेकिन यहाँ पे उसने बोला कि नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका मतलब नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अपने को ओनली नेगेटिव वाले इंटीजर बताने। नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन है? तो माइनस टू और एक माइनस वन है। अपना जो भी सॉल्यूशन आया था, अपना जो भी सॉल्यूशन है माइनस टू से टू के अंदर, बस नेगेटिव तो नेगेटिव इंटीजर तो दो ही बन रहे, एक माइनस टू और एक माइनस वन। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट अपन फोर्थ नंबर में बात कर लेते हैं। अभी फोर्थ नंबर के अंदर ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। दैट मींस क्या क्या हो सकता है? माइनस टू पॉजिटिव है क्या? नहीं है। माइनस वन पॉजिटिव है क्या? नहीं है। जीरो पॉजिटिव है क्या? नहीं है। इसका मतलब माइनस टू, माइनस वन और जीरो, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब इस केस में कितने हो जाएंगे? थ्री सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? थ्री हो जाएंगे। क्लियर है हमारी बात?
पढ़े आगे? यस सर। ओके, तो इस टाइप से इंटरवल्स देखेंगे। अब अपन बात करेंगे अब उसके बाद लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इफ वी मल्टीप्लाई if we multiply or divide by the same positive quantity in the both side of inequality, then the sign of inequality remains unchanged. अगर कोई भी इनइक्वालिटी है, वापस से बताना, साइड ऑफ द इनइक्वालिटी के बाद क्या था? इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी इन द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेंस अनचेंज्ड। है ना, कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर इनइक्वालिटी को अपन सॉल्व कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए अगर अपने को पॉजिटिव क्वांटिटी से बोथ साइड अगर क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करना पड़ रहा है, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट लिखो, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट if we add or subtract any real quantity in the both side of inequality then the sign of inequality remains unchanged। तो भी inequality का जो sign है वो क्या रहेगा? Same रहेगा, change नहीं हो। ठीक है ना, कोई भी अगर रियल क्वांटिटी है उसको अगर अपन सेम रियल क्वांटिटी को बोथ साइड अगर ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज
नहीं होगा. क्लियर है वाली बात? यस सर. ओके, थर्ड नंबर पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय same negative quantity in the both side of inequality, then the sign of inequality is changed. अगर नेगेटिव क्वांटिटी से अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देते हैं इनइक्वालिटी में, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. क्लियर है वाली बात? तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो एक ही केस में चेंज होगा. कब? जब अपन नेगेटिव क्वांटिटी से अगर सॉल्व करने के लिए, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए अगर अपने को क्या करना पड़ रहा है भाई, नेगेटिव क्वांटिटी से या तो मल्टीप्लाई करना पड़े या फिर डिवाइड करना पड़े, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके चलिए, तो उसके बाद अपन बात करते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा. कुछ एक एग्जांपल्स लेकर के इस चीज को अपन क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं. चलिए भाई, तो देखो भाई, यहाँ पे अपन बात करेंगे क्या कि जैसे अगर अपने पास में क्या लिखा हुआ है, उसने ऐसा बोल दिया कि फाइंड, पहला क्वेश्चन उसने बोला फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ऑफ 2x इज ग्रेटर देन 4, 2x इज ग्रेटर देन 4. तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी अपने को यहां से क्या फाइंड आउट करना है, अभी x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है अभी इसके लिए. तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए यहां पे देखो x के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इस 2 को रिमूव करना है अपने को. दैट मींस यहां पे बोथ साइड इनइक्वालिटी में क्या चेंज करना पड़ेगा भाई, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. तो 2 कैसी पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर बोथ साइड डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज नहीं होने का, रिमेंस अनचेंज, है ना? तो यहां पे सीधे-सीधे डायरेक्टली कैंसिल आउट हुआ, तो x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 2. इट इंप्लाइज दैट x इज बिलोंगिंग टू 2, टू इनफाइनाइट, 2 को इंक्लूड करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना वैसा, तो यहां पे आ जाएगा क्लोज और ये आ जाएगा अपना ओपन इंटरवल आ जाएगा. इज दैट क्लियर? सर ये गलत लग, सर 2 पे वो ओपन लगेगा ना. अच्छा, ओ सॉरी, ठीक, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन इंटरवल. ओपन, यस. ये रही वाली बात? यस सर. सेकंड बिल्कुल इजी सा एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे एग्जांपल का लेवल बढ़ा देंगे. क्या बोल रहा है वो कि इफ 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, देन x is belonging to, x कहां से कहां तक belong करेगा. तो देखिए भाई, यहां पे अपने को x का solution find out करना है, तो यहां पे first of all यहां पे plus 4 है, तो both side inequality में क्या करना पड़ेगा अपने को, 2x plus 4 is greater than 0 बोला हुआ है, तो both side पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, minus 4, तो 4 यहां से remove होगा, तो यहां पे होगा 2x plus 4 minus 4 is greater than minus 4. ये रहे वाली बात, या फिर ऐसा बोल देंगे सीधे सीधे डायरेक्ट इस 4 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर दो. तो इक्वल टू के इधर शिफ्ट करना इसको बताएगा कि बोथ साइड अपन ने क्या किया, माइनस 4, इस वाले 4 को हटाने के लिए. अपने कहते हैं ना कि इक्वल टू के इधर ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वो कोई जादू नहीं है कि वो माइनस हो जाएगा. एक्चुअल में क्या होता है कि x plus 2 is equals to 0 है, देन x 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना? वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इधर से 2 को रिमूव करना है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माइनस 2 इक्वल टू किधर किया है, तो सेम चेंज क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू के उधर भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0 माइनस 2. दैट मींस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 2, इसलिए ये हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है. इधर प्लस की क्वांटिटी है हटानी है तो बोथ साइड माइनस करना पड़ेगा, माइनस की क्वांटिटी हटानी है तो बोथ साइड प्लस करना पड़ेगा. क्लियर है वाली बात? यस सर. ओके,
तो चलिए यहाँ पे क्या हुआ, बोथ साइड अपन ने 4 क्या किया है, माइनस 4 बोथ साइड ऐड किया, या फिर ऐसा बोले कि 4 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट तो चाहे कुछ भी करेंगे तो उसमें कुछ भी चेंज होगा क्या? नो सर, नो चेंज। दैट मींस ये हो गया अपने पास 2x इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 4। अब यहाँ पे 2x के x के मल्टीपल में कौन आ रहा है, 2, इस 2 को रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, बोथ साइड डिवाइड बाय 2 करोगे क्या हो जाएगा, x is greater than minus 4 upon 2, both side positive quantity से divide किया तो inequality का sign change होगा क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला, तो यहाँ पे situation क्या आ जाएगी? x is greater than minus 2, तो minus 2 से x is belonging to minus 2, 2 कहाँ तक जाएगा? minus 2 से greater equal तक जा सकता, पर दोनों को include नहीं करना तो दोनों पे क्या आ जाएगा? Open, open inter, clear हुआ ये? जल्दी से नोट डाउन करो, हो गया नोट डाउन ये? यस सर। चलिए तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ रहे, ओके सर। क्या बोला, अभी ज्वाइन किया है मैंने। ओके बाय बेटा। सर क्यों?